पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाइन पार में रामलीला का मंचन बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ कराया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुकुट पूजन किया गया और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद आज से रामलीला का मंचन शुरू हो गया। जानकारी देते हुए बताया गया कि रामलीला का मंचन हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से श्री मुकुट पूजन के साथ किया जाता है। आज मुकुट पूजन हुआ है, इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो वहीं मंच पर शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, रामलीला का भी शुरू हुआ। इस अवसर पर जानकारी देते हुए कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष मुकुट पूजन और सुंदरकांड पाठ के आयोजन के बाद रामलीला का मंचन शुरू होता है। रामलीला के 120 वर्ष पूर्ण होने के बाद रामलीला का मंचन भव्यता के साथ कराया जाएगा। साथ ही इस बार दशहरे के अवसर पर सुंदर और आकर्षक आतिशबाजी सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। रामलीला कमेटी के द्वारा इस वर्ष 120 फुट के मंच को बनाकर उस पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस अवसर पर अतुल अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, रॉबिन अग्रवाल, रोहित गोयल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जगदीप अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, राजीव बंसल, रोहित बंसल, विनोद अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल के अलावा और भी लोग उपस्थित रहे तथा सभी का विशेष सहयोग रहता है। ये रामलीला का मंचन की शुरुआत हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से मुकुट पूजा से होती है और मुकुट पूजा आज हमने पूजा कराई गई और पूजा के बाद ही प्रसाद वगैरह का आयोजन किया गया था और इसके बाद अब शाम को 5 बजे मंच पे भगवान जी का, हनुमान जी का मंगल का दिन है आज, सुंदरकांड का पाठ होगा। ये पाठ सुंदरकांड का हमेशा से होता चला आ रहा है, आज भी होगा। आज शुभ दिन ये है कि वो मंगल का दिन है। रामलीला के 120 वर्ष पूर्व होने के बाद इस वर्ष रामलीला की कमेटी ने मीटिंग में तय किया है इसको भव्यता से की जाए और इसके लिए बाहर से झांकियां सुंदर सुंदर मंगाई हैं, आतिशबाजी का प्रबंध करा गया है। इस वर्ष 5 अक्टूबर का दशहरा है, माँ बहुत भीड़ होती है। मेरा मीडिया से अनुरोध है कि वो कोई गलती अगर कमेटी से हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज कर लें, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ होती है। अच्छा, इस बार रामलीला कमेटी ने मंचन के लिए क्या विशेष कार्यक्रम या क्या विशेष व्यवस्था की है? रामलीला कमेटी ने इस वर्ष जो मंच बनाया है वो 120 फुट का है, हमेशा 100 फुट का बनता था, अब के 120 फुट का बना है और उसके ऊपर जो डेकोरेशन और सजावट हुई है वो सब फाइबर की बनाई गई है और उसमें बहुत अच्छा सुंदर लाइटिंग वगैरह का प्रबंध करा गया है।